हाय गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष। सामने आप क्या देख रहे हैं? बाप और बेटा। सो ये आपकी बजाज की पल्सर 150 पुरानी वाली, और ये आपकी बजाज की P150। इसके साथ तो अलग ही इमोशंस है यार लोगों के। जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है, ये डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है। इन दोनों का प्राइस सेम है फॉर द न्यू वन। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, 1,33,500 आपको पड़ जाएगी। ऑन रोड गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। सो इस सेम प्राइस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे अभी, और मैं कौन सा लेता अगर मुझे लेना होता वो भी बात करेंगे। फ्रंट की लुक की बात करें सो इसमें आपको डिफरेंसेस ज़रूर लगेंगे। बजाज का मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज हो चुका है पहले से। पहले ऑलमोस्ट हर बाइक इस शेप में आती थी, इस डिज़ाइन के साथ। आप देख सकते हैं वो नई वाली पल्सर है, वो आपको N160 जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके साथ, F250, N250 उनके डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मैच करती दिखाई दी। और ठीक है, नेचुरल इवोल्यूशन होता है हर कंपनी में, सो बजाज में भी हुआ है। डिफरेंसेस क्या है फ्रंट से? पुरानी वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल हेलोजन सेटअप ही मिलता है। यहाँ पे पायलट लैंप्स, ये सब आपको हेलोजन सेटअप ही मिलेगा। वेर जो नई वाली है ना, इसमें आपको व्हाइट कलर के बाई डायरेक्शनल प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स आपको ज़रूर हेलोजन ही मिलेंगे, बट यह यही फ्रंट से आपको मैकेनिकल एक फीचर में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, वो सब ठीक है। ये सब तो लुक में डिफरेंसेस होते ही है। यहाँ पे भी आपको 260mm के डिस्क मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको 260mm के डिस्क मिल जाते हैं। डिफरेंस आप देख रहे होंगे टायर्स के विद में। ये विद देखिए और इसकी विद देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। इसकी प्रोफाइल है 90x90 17, और इसकी प्रोफाइल है आपकी 80x100 17। 80 सेक्शन के हैं, वो है आपके 90 सेक्शन के। सो विद में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सो यही डिफरेंस है फ्रंट से। वाइजर्स इसमें थोड़े मॉडर्न छोटे वाले आते हैं, इसमें वो काफ़ी बड़े वाले आते हैं, जो जहाँ पे लोग कपड़े स्टोर करते थे बाइक साफ करने के लिए। वो पहले ऐसे सिंपल होता था, वही है। हैंडल बार की बात करें सो सिंगल डिस्क वाले में, नए वाले में आपको स्ट्रेट जो नॉर्मल कंप्यूटर सेगमेंट में होता है वो वाला आपको मिलता है, और ट्विन डिस्क वाला लेते हैं तो आपको क्लिप ऑन्स मिलते हैं। पहले बजाज के हर बाइक में 150 में 220F में आपको क्लिप ऑन टाइप्स मिलते थे, यहाँ पे भी आपको वो क्लिप ऑन वाले ही मिलते हैं। सो ये एक डिफरेंस है। इसका क्लच लाइट है काफ़ी, इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है। इसका क्लच थोड़ा आपको हैवी लगेगा क्योंकि थोड़ा पुराना इंजन हो चुका है ना, वही डिफरेंस है। इंजन की बात करें, यहाँ पे आपको फोर्ट बजाज का DTSI फ्यूल इंजेक्टेड वाला इंजन मिल जाता है। 13.8 BHP ऑफ पावर, 13.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। पावर और टॉर्क थोड़ा कम है इससे, क्योंकि इसमें आपको 14.5 BHP ऑफ पावर और 13.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। ये डिफरेंसेस है ज़्यादा इसमें। फुट पैक्स उन सब में थोड़े डिज़ाइन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाकी सब सेम है। ब्रेकिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। इसमें थोड़े मुझे इम्प्रूव लगते हैं क्योंकि मैंने वो बहुत साल पहले चलाई है, अभी मैं चला के नहीं देखा है मैंने। सो वो एक डिफरेंस हो सकता है, बट यहाँ पे आपको थोड़े अच्छे ब्रेक्स मिल जाते हैं इस नए वाले में, मुझे फील हुआ। बाकी तो ये सब थोड़े डिज़ाइन के डिफरेंसेस हो सकते हैं बॉडी पैनल्स में। सीट्स की बात करें, यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिलता है सिंगल डिस्क वाले में। ट्विन डिस्क वाले में आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सारे वेरिएंट जो आते हैं, नियॉन आता है, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, सारों में आपको ट्विन SS सीट स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। फिक्स्ड आपको ऐसे ग्रैब रेल्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐसे स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिलते हैं सारों में। नियॉन वाले में आपको फुल मिलता है, यहाँ पे आपको ऐसे स्प्लिट मिल जाता है। पीछे से आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे भी LEDs है, यहाँ पे भी LEDs है। लाइट्स का डिज़ाइन थोड़ा अलग किया गया है। मडगार्ड्स का शेप भी ठीक है, यहाँ पे थोड़े छोटे, यहाँ पे थोड़े बड़े। टायर्स प्रोफाइल देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी विद देखिए भाई साहब, 120 सेक्शन के टायर्स है ये, और ये तो भाई बहुत छोटे हैं। इसकी प्रोफाइल मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। अरे प्रोफाइल खो जाती है। 100 सेक्शन के है ये 120 सेक्शन के थे, ये 100 सेक्शन के, आप सोच ही सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम हो चुकी है पहले से। सो उतनी आपको ज़्यादा ग्रिप्स और मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता जितना आपको यहाँ पे शायद मिलता था। यहाँ पे आपको कन्वेंशनल साइलेंसर्स मिलता था, यहाँ पे आपको अब वो अंडर बेली वाला मिलता है जो आजकल बजाज हर बाइक में यूज़ कर रही है अपने। टैंक साइज इसका 14 लीटर का है, उसका 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता था। ये ना
कई मामलों में इससे काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है, बल्कि बहुत लगती है ये बाइक, वो मुझे कहना होगा। स्विच गियर्स की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे स्विच गियर्स, सारे ही सेम है, उसमें मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता था, यहाँ पे आपको ऐसे डिजिटल टैकोमीटर नहीं मिलता था, आपको मैनुअल यहाँ पे एनालॉग वाला टैकोमीटर मिलता था। डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब आपको मिल जाता था यहाँ पे। और नए वाले में भी अगर दिखाऊँ मैं आपको, फॉन्ट्स थोड़े अलग है, वो सब आपको थोड़े डिफरेंसेस ज़रूर मिल जाते हैं, बट बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। या आपसे आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, वो सब आपको मिल जाता था। गियर पोजीशन इंडिकेटर वो भी था, उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं था, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आ चुका है। यूएसबी चार्जिंग नए ज़माने का बाइक है सो ये मिलता है, वो थोड़ा ओल्ड फैशन है सो वो आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा। ORVMs का शेप भी थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा स्पोर्टियर है, उसमें आपको कन्वेंशनल मिल जाते थे लुक्स। सो यही डिफरेंस आपको लगेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। पावर इसमें थोड़ी नई वाली में ज़्यादा है, उसमें कम है। उसमें टायर प्रोफाइल्स वो सब काफ़ी मोटे हैं, इसमें टायर प्रोफाइल काफ़ी पतले हैं, जो एक कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ है। सो आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ना, जो मुझे भी है, तो मैं यार ये नया वाला ना लेके ना मैं पुराने वाला ले लेता। इसका बिल्ड क्वालिटी भी मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका सीट हाइट भी थोड़ा कम है, 785 mm का आपको सीट हाइट मिलता है, इसमें आपको 790 mm का सीट हाइट मिल जाएगा। फ्यूल टैंक भी बड़ा है, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, उसमें माइलेज ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि 10 kg वो लाइट है इससे, सो वो एक डिफरेंस मिल जाएगा आपको। बाकी सब तो मुझे इसमें ही ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे फीचर्स से उतना मतलब नहीं है। ये लुक, ये फील जो आती थी इसमें वो अलग ही थी, उसको ना कोई बाइक कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं उससे। बट अगर आपको एक फ्रेश लुक चाहिए, LED हेडलाइट्स चाहिए, USB चार्जिंग चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए इंजन में, ज़्यादा रिफाइंड इंजन चाहिए, और आपको ये टायर प्रोफाइल पतले होने से ये सबसे कोई मतलब नहीं होता, और सिंगल डिस्क आपको इसके डुअल डिस्क वाले में मिल जाता है, बट ये सब आप ना देखते हुए अगर आपको नया एक लुक वाला बाइक चाहिए तो आप ज़रूर इस पे जाइए। बट अगर आप मेरे तरह ओल्ड फैशन है, अगर आपको पुराना वाला लुक ज़्यादा पसंद आता है, तो आप बेशक इस पे अभी भी जा सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा आउटडेटेड आपको हेडलाइट्स वो सब लग सकता है, बट अभी भी वो फील, वो पल्सर वाला वो साउंड, वो सब आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।